नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रेक्स। क्या आपका पार्टनर का बिहेवियर चेंज होगा आपके लिए? क्या आपका पार्टनर अपना बिहेवियर चेंज करेगा इस रिलेशनशिप को लेके, इस रिलेशनशिप को बचाने को लेके? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ज़रूर चलती है। तो आखिर आपको ऐसा क्या करना होगा कि आपका पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस हो, वो अपना माइंडसेट बदले आपको लेके, और वो भी एफर्ट डालना ज़रूरी समझे। लेकिन आखिर आपको ऐसा क्या करना होगा ताकि उसका माइंडसेट बदले, ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तभी मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। लेकिन कुछ व्यूअर ऐसे हैं, बार बार वीडियो को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, बार बार वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी समझते ही नहीं है। पता नहीं उनका माइंडसेट क्या बन गया है। खैर चलिए, अगर यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए व्यूअर हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक वो वक्त था जब पार्टनर इरिटेट हो जाता था आपके कॉल या मैसेज करने से, क्योंकि आप बार बार कॉल मैसेज करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप इरिटेट होने लगते हो, आप इरिटेट होने लगे हो अपने पार्टनर के बिहेवियर से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर पूरा पूरा डिपेंड हो चुका है आपके एफर्ट से। मतलब कि वो समझ गया है कि आप अपने साइड से ही एफर्ट लगाओगे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एफर्ट लगाने की। आप बहुत दिन नो कॉन्टेक्ट पे चले जाते हो तो कभी कभार फ़ोन कर देता है आपका पार्टनर आपको, जब उसे बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, उसके अंदर एंग्जाइटी आती है, तब वो एक दो बार फ़ोन कर देता है और आप फिर गुस्से से नहीं उठाते होगे, तो बस पार्टनर का एफर्ट उतना ही तक रहता है। वो जानता है कि वो अपने साइड से ज़रूर कॉल या मैसेज फिर से करेगा। लेकिन जब पार्टनर का बिहेवियर और माइंडसेट ऐसा बन जाता है तब आप बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हो, और यदि कभी बात हो गई तो आप फिर अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं उल्टा सीधा बुरा भला सारा चीज़ सुनाने लगते हो, और इसके वजह से आपका गलती का लेवल फिर से बढ़ने लगता है और वो फिर से आपकी गलती गिनाने लगता है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप छोटी छोटी गलतियों के लिए फिर से माफ़ी मांगने लगते हो अपने पार्टनर से, जिससे आपके पार्टनर का माइंडसेट पूरा पूरा बदलने लगता है। उसे सॉरी सुनने की आदत सी बन जाती है और आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों को एंजॉय करने लगता है, क्योंकि अब उसे इन चीज़ों की आदत बन गई है रिलैक्स माइंड में जाने का, उसे रिलेशनशिप को लेके कुछ भी ना सोचने का, क्योंकि सारा सोचने का ठेका आपने ले लिया है। ये पार्टनर जान चुका है और उसका पूरा पूरा माइंडसेट बन चुका है। तो यहाँ पे आप वही गलती करते हो, छोटी गलतियाँ ये नहीं कि फटाक से सॉरी। आपको लगता है कि अगर यदि मैं सॉरी बोल देता हूँ तो बस बात यहीं ख़त्म हो जाएगी और फिर से पार्टनर मेरे साथ उसी तरीके से बात करने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पार्टनर का माइंडसेट बदल रहा है, पार्टनर नहीं बदल रहा है। और जिस इंसान का माइंडसेट बदलने लगता है ना, तो उसका माइंड उसको वैसे ही करवाने से मजबूर कर देता है। तो अभी आपका पार्टनर का माइंडसेट ये बना हुआ है कि मुझे एफर्ट नहीं डालना है इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि अगला वाला एफर्ट तो डाल ही रहा है तो मुझे क्या ज़रूरी है, और जो चीज़ फ्री का मिल रहा हो उसके लिए एफर्ट क्या डालना। इसे मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए, यदि आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी जो बोर्ड का एग्ज़ाम देता है, और यदि गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि अब बोर्ड का एग्ज़ाम बिना दिए हुए उसको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि वो एग्ज़ाम नहीं भी देता है तो भी वो इंसान को पास कर दिया जाएगा, तो कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा, यहाँ तक कि किताब में हाथ तक नहीं लगाएगा वो, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा बन चुका है, पढ़ें या ना पढ़ें पास तो हो ही जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से आपके पार्टनर का माइंडसेट वैसे ही हो चुका है। हम एफर्ट डालें या ना डालें ये तो कहीं नहीं जा रहा है छोड़ के, ये रिलेशनशिप को
लेके सीरियस है और यही एफर्ट डालने वाला है, तो वो रिलैक्स होके पूरा पूरा उस चीज़ को एंजॉय करने लगता है। अब यहाँ पे क्या है कि आप धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हो, और इस तरह से कमज़ोर होते जाते हो कि पार्टनर के सामने या तो गिड़गिड़ाने लगते हो, या तो पूरा इमोशनल होने लगते हो, या बार बार फिर उसे अपने साइड से ही कॉल या मैसेज करते हो। तो यहाँ पार्टनर का माइंडसेट फिर से बदलना शुरू हो जाता है, और उसका माइंडसेट एक टाइम के बाद ऐसा बन जाता है कि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लगता है और आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो। और एक स्ट्रॉन्ग आदमी एक कमज़ोर आदमी से क्यों रहना चाहेगा रिलेशनशिप में? कभी नहीं। तो फिर आपका पार्टनर बिल्कुल ये चाहेगा कि मुझे जो कंट्रोल कर सके वैसे लोग के साथ मुझे, वैसे इंसान के साथ मुझे रहना। तो यहाँ पे आपकी कमज़ोरी ही इस रिलेशनशिप को कमज़ोर कर रहा है और इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप तक पहुँचा रहा है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने आप को कमज़ोर इतना मत बना दीजिए कि आपको अपने पार्टनर के सामने बार बार झुकने को मजबूर कर दे। बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में अपनी कमज़ोरी पार्टनर के सामने नहीं दिखाइए। अपने आप में कंट्रोल रखिए कि झुकेंगे उतना ही जितना ज़रूरी है। यदि मेरी गलती है ठीक है वहाँ झुकेंगे, लेकिन नहीं गलती है तो नहीं झुकेंगे। और ऐसा नहीं कि आप गलती कर रहे हो, आपसे गलती इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहते हो रिलेशनशिप ठीक हो, और इस वजह से आप इरिटेट होने लगते हो। और जो इंसान इरिटेट होने लगता है उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं रहता है और वो उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है, और आपकी यही हरकतों का फ़ायदा आपका पार्टनर उठाता है आपकी गलतियाँ गिनवाने में और अपने आप को सुपीरियर दिखाने में। तो आप यहाँ पे ये गलती नहीं करो। जहाँ पार्टनर गलती करता है वहाँ सीधे सीधे आप पॉइंट आउट करो कि आपकी यहाँ गलती है, तो आपको इसके लिए सॉरी बोलना चाहिए। और अगर यदि नहीं भी बोलता है तो आप फोर्स मत करो उसे बार बार सॉरी बोलने के लिए, आप बस साइलेंट हो जाओ। और जहाँ गलती बहुत ज़्यादा बड़ी हो वहाँ सीधे सीधे उसे उंगली ज़रूर कीजिए, उस पर उंगली ज़रूर उठाइए कि बिना सोचे समझे कोई भी बात आप मुझे नहीं बोल सकते हो और कोई भी उल्टी सीधी बातें मुझे नहीं कह सकते हो। धीरे धीरे ही आपके पार्टनर का माइंडसेट बदलेगा, क्योंकि एक मोबाइल भी जो होता है जब काफ़ी ज़्यादा हैंग करने लगता है तो उसे या तो रीसेट करने की ज़रूरत पड़ती है पूरा फैक्ट्री रीसेट, या तो धीरे धीरे मेमोरी की खाली करने की ज़रूरत पड़ती है। आपका मेमोरी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है तो अनवांटेड चीज़ को आपको डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्योंकि एक मशीन है तो इसको आप फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हो और धीरे धीरे भी आप मेमोरी खाली करके इसको अच्छे से चला सकते हो, लेकिन इंसान को आप अचानक से फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकते हो। उसका माइंड धीरे धीरे ही बदलेगा आपके लिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। चलिए एंड करते हैं। नमस्ते।